नमस्कार दोस्तों, कोटोरा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल हम हैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जेड कोटोरा, ये जेड विद्यालय में, और यहाँ पर लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है संताले फाउंडेशन का, और स्कूल के टीचर हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम सर? अशोक राज पुरोहित। अशोक जी, जैसा कि आपकी विद्यालय में संताले फाउंडेशन का सीखने का मेला चल रहा था, तो आपने भी मेले को देखा होगा, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा प्रयास है आपके संताले फाउंडेशन का जी, और इससे काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिल रहा है। आपका जो एम है बच्चों की हिडन स्किल को डेवलप करना जी, इसमें काफ़ी हद तक आप पहुंच रहे हो और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा आपका। जो 7 डेज का जो ये लर्निंग फेस्टिवल रहा, इसमें जो भी आपने स्टेप, जो भी आपके स्टूडियो लगाए, तो ये भी काफ़ी अच्छे रहे बच्चों के लिए। और जैसे ये आपको यहाँ के खजूर के पेड़ के द्वारा ये झाड़ू वगैरह बनाना, पंखुड़ी वगैरह बनाना, ये भी एक तरह का बच्चों के लिए हेल्पफुल रहता है। अपने मतलब कॉमर्शियल जी कह सकते हैं, ये अपने कुछ नहीं करे तो इनसे भी कुछ सीख करके कमा सकते हैं जी। और ऑल ओवर गए तो आपका जो टोटली प्रोग्राम है वो बच्चों के हित में है और काफ़ी अच्छा है जी। जैसा कि 7 डेज चला, आप भी स्कूल में ही रहते हैं, आपने भी बच्चों को देखा होगा करते हुए, तो आपने बच्चों और जो फैसिलिटेटर थे सिखाने के लिए और सीखने के लिए, तो उनमें आपको क्या नज़र आ रहा था बच्चों और फैसिलिटेटर में? उनका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो पूरी तरह से मैं 100% पूरा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बैकवर्ड इलाका है और बच्चे छोटे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो हिंदी को इतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। फिर भी आपकी टीम जो है काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, इनके लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड भी बोल करके इनको समझाने की कोशिश कर रही है, तो अच्छा है, कुल मिला के ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे और कर भी रहे हैं जी। और जैसा कि इस मेले में आपने देखा होगा, एक रूम जो है वो पूरा सजा हुआ है, तो रूम में आपने क्या क्या देखा सजे हुए रूम में? सजे हुए रूम में इनके हाथ से बनाए हुए कुछ डेकोरेटिव कागज से इन्होंने जो किया है काफ़ी अच्छा है, कुछ स्पेलिंग वगैरह, कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं हिंदी इंग्लिश, काफ़ी अच्छे शब्द लिखे हुए हैं और अच्छा प्रयास है गुल जी। तो ये केवल जो फैसिलिटेटर समताले फाउंडेशन के, उनके आइडिया से सब कुछ बन रहा है या स्कूल के बच्चे और टीचरों के आइडिया? ऐसा है कि आपके जो एक्सपर्ट है समताले फाउंडेशन के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे जानकार हैं, लेकिन कभी थोड़ा बहुत इनको ऐसा लगता है तो वो ज़रूर हमसे पूछते हैं और पूछा भी है, और हम भी हमारे लेवल पर जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। तो ये लर्निंग फेस्टिवल को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव आपके? सुझाव यही रहेगा कि थोड़ी संख्या और बढ़ाई जाए, बड़े बच्चों को भी शामिल किया जाए, इनके पेरेंट्स को भी शामिल किया जाए, ताकि इनको थोड़ा अवेयर कर सके एजुकेशन के बारे में, कि इनको भी इन पेरेंट्स का भी एक प्रोग्राम रखा जाए जिससे उनको ग्रुप में सबको बैठा करके और एजुकेशन के प्रति इनको थोड़ा अवेयर किया जाए कि बच्चों को स्कूल रेगुलर भेजे, जो 10th 12th बोर्ड क्लास है इनके बाद बच्चे आगे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये क्या कर सकते हैं, इनको मतलब इनका जो फ्यूचर है आगे, क्योंकि यहाँ लोग मजदूरी करते हैं, किसी को कोई जॉब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तब इनको जब पेरेंट्स इकट्ठे करके हम बुलाएंगे कि आपका बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, 10वीं पढ़ने के बाद ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो वो भी थोड़ा उनको बच्चों को फोर्स करेंगे पढ़ने के लिए, नहीं तो उनके माइंड में भी कुछ नहीं है, वो भी यही सोचते हैं कि बस पढ़ना है, पढ़ के कुछ नहीं आगे ये, और मजदूरी में लगे रहते, लेकिन उनको थोड़ा आगे पढ़ने के बाद आगे क्या होता है वो इनको जरूर बताना चाहिए, जिससे ये जरूर जो है अपनी स्कूल है जो खाली रहती है ये कोटड़ा की स्कूल भर जाएगी जी। जैसा कि आज सुबह जब मैं देख रहा था, आप भी फ्रिस्बी खेल रहे थे और आपने स्प्रिट सर्कल में बोला कि मैंने पहली बार खेला था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा गेम है, काफ़ी अच्छा प्रयास है सबका, और मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ खेला, काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों यहाँ के जो बच्चे हैं ये मैं कई बार देखता हूँ, ये खुद भी खेलते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, और अच्छा प्रयास है जी। और जैसे कि इस लर्निंग फेस्टिवल अगर और भी बार आपकी स्कूल में होता है फाउंडेशन की ओर से, तो आप कैसे सहयोग करेंगे? हम हमारे लेवल पे जो आपके जो भी फैसिलिटेटर है जो जैसा हमको कुछ कहेंगे तो हम इनका साथ जरूर देंगे जी। और एजुकेशन के बारे में, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, आप बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही, अगर कोटड़ा बेल्ट के लोग सुन रहे हैं तो उनको तो यही कहूँगा कि आप जो है
शिक्षा से जुड़े, आपके बच्चों को जुड़े, आज तक जो चलता रहा मजदूरी वगैरह, इससे उठ करके कुछ नया कुछ, क्योंकि टीचर बनता है कोटरा से, टीचर क्यों नहीं बनते, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कोटरा से बहुत कम क्यों जाता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम ही है, कोटरा के लोग ही है जो बच्चों को 8वीं 10वीं तक पढ़ा देते हैं और उसके बाद स्कूल ड्रॉप करवा देते हैं। और एक इनकी मैरिज की प्रॉब्लम है, 8वीं में बच्चा आ गया और एक रेपुटेशन का सवाल बन जाता है और 8वीं के बाद उसको शहीद कर देते हैं शादी के लिए। तो ये नहीं करना चाहिए उनको, जो है बच्चा थोड़ा कॉलेज कर ले, 12वीं पास कर ले, उसके बाद उसकी मैरिज करवानी चाहिए, जिससे थोड़ा अच्छा समाज में सुधार जरूर आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके।